एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक टेस्टी सी आलू चॉप की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा यमी और क्रंची बनती है, साथ में इसकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और हम इस ट्रिक से बनाएंगे कि तेल भी ज़्यादा इसमें नहीं सोखेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करें। यहाँ मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसे मैं अच्छे से कद्दूकस कर ले रही हूँ। आप चाहे तो मैसर से इसे मैश भी कर सकते हैं। आलू चॉप वैसे बहुत तरीके से बनता है, ज़्यादातर आलू होते हैं, उसमें धनिया मिर्चा प्याज वगैरह होता है और बेसन में डिप करके बनाया जाता है। मगर मैंने इसमें फिलिंग किया है, मैंने इसमें कुछ वेजेज किए हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और तेल भी इसमें ज़्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, मैं इस तरह से बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहे। इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक फ्लेवर के लिए और अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए आलू हमारा कितना ड्राई है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच के लगभग ब्रेड क्रम्स, इससे आलू भी हमारा ड्राई रहेगा और आलू चॉप जो है कुरकुरा बनेगा। दूसरी तरफ मैं पैन में डाल दे रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल और फिर इसमें डालूंगी मैं 1/2 चम्मच सरसों और 1/2 ही चम्मच जीरा। तो देखिए राई और सरसों चटक गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 प्याज बारीक कटा हुआ, प्याज को अच्छे से भून लूंगी और फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 हरी मिर्च। तो देखिए प्याज हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कद्दूकस किया हुआ 1 बीटरूट या फिर चुकंदर और 1 गाजर, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, अच्छे से मिक्स करूंगी। गाजर और चुकंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी वेजिटेबल है और इसको हमें खाने से तो खून हमारा बढ़ता ही है, अगर इस तरह से खाएंगे तो ये टेस्टी भी लगेगा। तो मैंने इसमें डाल दिया था नमक, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच काले मिर्च का पाउडर और फिर इसे चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी चाट मसाला, मिक्स कर दूंगी और फिर डाल दूंगी इसमें भुनी हुई मूँगफलियाँ। इसका फ्लेवर आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं कद्दूकस किया हुआ नारियल, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और फिर मैं इसे निकाल लूँगी एक बाउल में और ठंडा कर लूँगी। तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो देखिए आलू हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल भी ये गीला नहीं है। तो इसे छोटी छोटी लोइया कर लेंगे और फिर हाथों पर तेल लगाते हुए इसे बीच से फैलाएंगे, एक पूरी की तरह हम शेप देंगे और फिर अपनी फिलिंग को इसमें डालेंगे और अच्छे से लॉक करेंगे। तो ये देखिए मैंने खूब सारा फिलिंग भर दिया है, ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा से ये बंद हो गया है, आलू हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले थे इस कारण ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट है और लचीला भी है। तो देखिए मैंने इसे अंडे का शेप दे दिया है, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार और करके दिखा रही हूँ। देखिए इसे हाथों पर फैलाते हुए हमें बीच में फिलिंग रखना है और फिर अच्छे से लॉक कर देना है। मैंने खूब सारी फिलिंग भरी हुई है, जब हम आलू चॉप खाएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए सारे आलू चॉप को मैंने इसी तरह बना लिया था। तो देखिए सारे बन चुके हैं। अब मैंने मैदे का घोल बना के रख लिया था, देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा घोल मैंने बनाया था और कुछ नहीं डालना है, बस पानी और मैदा और घोल बन जाएगा, एकदम गाढ़ा सा घोल बनाना है। और मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स बना लिए थे और मैदे में डिप करके हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे से, इसे हमारा आलू चॉप बहुत ज़्यादा क्रंची और यमी बनेगा। तो देखिए मैंने सारे इसी तरह से बना के रख लिए हैं, आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख सकते हैं, इससे तेल में जो है हमारा ब्रेड क्रम्स नहीं निकलेगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए खुले में रख दिया था। तो आइए अब इसे डीप फ्राई करते हैं, हमें इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें डीप फ्राई करना होगा। इस तरह से अगर आप तलेंगे तो बिल्कुल भी तेल इसमें ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। तो देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें धीरे धीरे इसे तलते रहना होगा और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ले आना है।
तो ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक छन्नी में ताकि इसका तेल सारा निकल जाए, और फिर टिश्यू पे रख दूँगी काफ़ी देर तक खुले में। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, देखकर ही मन कर रहा है खाने का। तो मैंने इसे टिश्यू पर निकाल दिया है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रंची बना है। तो इसके साथ खाने के लिए बनाते हैं एक चटपटी सी चटनी। तो यहाँ मैंने ले लिया है धनिया थोड़ा सा, मैंने ले लिया है हरी मिर्च और थोड़ी सी भुनी हुई मूँगफली, और नींबू डाल दिया है और नमक डाल दे रही हूँ और फिर पीस ले रही हूँ। तो चटनी हमारी तैयार है, तो देखिए कितनी यमी चटनी बनी है। आइए जल्दी से हम अपनी आलू चॉप को सर्व कर लेते हैं। तो डालते हैं टोमेटो सॉस, क्योंकि मीठा खट्टा और तीखा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो डाल दे रही हूँ मैं अपने यमी यमी से आलू चॉप को। तो दोस्तों प्लीज़ इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यमी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।